मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। दिस इज क्लास 4, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 1, कंप्यूटर सिस्टम। नाउ टुडे वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेता है एंड उसे मैनिपुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट। ओके, और आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कंप्यूटर हम कोई काम कर ही नहीं सकते। आप देखते हैं ना, हर चीज़ में आपको कंप्यूटर की नीड पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर को कंसिडर्ड किया गया है वंडर मशीन की तरह। कंप्यूटर सेवरल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ओके, एंड इसकी जो सारी यूनिट्स है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को। मतलब सभी यूनिट्स परफॉर्म करेंगी एक स्पेसिफिक टास्क। ओके, बट कोई भी यूनिट अकेले फंक्शन नहीं कर सकती है। ओके, ये सारी यूनिट्स इंटीग्रेटेड होती हैं एक साथ और फॉर्म करती हैं एक कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के 4 बेसिक यूनिट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, ये 4 यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले इनपुट लेता है एंड देन उसे प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट पे। ओके, और आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है वहाँ पे आप कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एंटर करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ओके, ये जो डिवाइसेस होती हैं ये अलाउ करती हैं कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कीबोर्ड एंड माउस, ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसा आप देखते हैं ना, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है तो आप या तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या तो माउस का। सबसे ज़्यादा यूज़ हम किन किन का करते हैं, कीबोर्ड और माउस का। ओके, कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि टच पैड, स्टाइलस, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ओके, कीबोर्ड के ऊपर नंबर ऑफ कीज़ होती हैं और इन कीज़ को डिवाइड किया गया है वेरियस कैटेगरीज में। लाइक अल्फ़ाबेट कीज़, ये A to Z हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। नंबर कीज़, 0 to 9 हमारी नंबर कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़, F1 to F12, F1 से लेकर के F12 तक हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ लाइक कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट एंड स्पेस बार, ये सब हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं। एंड कर्सर कंट्रोल कीज़, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ओके, कीबोर्ड कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ओके, वायर्ड कीबोर्ड के पास केबल होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं CPU से। ओके, एंड वायरलेस कीबोर्ड्स कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से ब्लूटूथ का यूज़ करके या फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट करने के लिए पर्टिकुलर चीज़, सेलेक्ट करने के लिए और मूव करने के लिए आइटम्स को कंप्यूटर पर। ओके, और जो हमारा माउस होता है वो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, माउस के जनरली 2 बटन्स होते हैं एंड एक स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील का हम लोग यूज़ करते हैं मूव करने के लिए पेज को अप एंड डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टच पैड। टच पैड भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूज़ होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स पर। ओके, ये वर्क करता है फिंगर्स के मूवमेंट को डिटेक्ट करके। ओके, हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एंड मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर पर
अपने फिंगर्स को मूव करा के टच पैड पर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टाइलिश. ओके, स्टाइलस एक स्मॉल पेन शेप डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एंटर करने के लिए कमांड्स कंप्यूटर मॉनिटर पर, स्मार्टफोन पर और टैबलेट कंप्यूटर पर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैनर. स्कैनर क्या होता है? ये क्या करता है, सभी इंफॉर्मेशन को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है. जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि रिटन है पीस ऑफ पेपर्स पे, वो क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और उसको शो करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ले रहा है, इनपुट दे रहा है और उसे शो कर रहा है कंप्यूटर पे. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं. स्कैनर हमारा 3 टाइप्स का होता है, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड एंड शीट फेड. नेक्स्ट वन इज ग्राफिक्स टैबलेट. ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है, ये हमारा एक अनदर इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होता है ड्रॉ करने के लिए इमेजेस को विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिश. ये जो टैबलेट होता है कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से और जो स्टाइलिश होता है वो अटैच्ड होता है हमारी ग्राफिक्स टैबलेट से. ये क्या करता है, ये कन्वर्ट्स कर देता है कंप्यूटर इमेजेस को जो कि ड्रॉ हुई है टैबलेट पर उसको डिजिटल फॉर्म में और उसको डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पर. नाउ नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का यूज़ होता है साउंड को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में. ओके, ये क्या कर सकता है, ये रिकॉर्ड कर सकता है वॉइस को और म्यूजिक को. एक स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को जो कि रिसीव्ड हो रहा है माइक्रोफोन से उस फॉर्म में जो कि कंप्यूटर उसे समझ सके. नाउ नेक्स्ट वन इज वेब कैमरा. वेब कैमरा जो होता है ये अटैच्ड होता है हमारे कंप्यूटर से क्लिक करने के लिए इमेजेस को और कैप्चर करने के लिए वीडियो को. और ये क्या होता है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये लैपटॉप में इनबिल्ट होता है वेब कैमरा हमारा. हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा यूज़ होता है पिक्चर्स लेने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए और ये कैमरे को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ भी और इस पिक्चर्स को और वीडियोस को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैमरे से कंप्यूटर में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, जब हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस और फिर हमें आउटपुट देता है. तो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU के नाम से भी जानते हैं. ये हमारा मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इसके क्या 3 मेन पार्ट्स होते हैं CPU कैबिनेट के. पहला ALU विच इज़ स्टैंड फॉर अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट. तो ALU हमारा क्या करता है, ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस को और एग्जीक्यूट करता है सभी इंस्ट्रक्शंस को. और हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर के और ये कोऑर्डिनेट करता है सभी अदर डिवाइसेस के साथ डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यूसली फ्लो करने के लिए. और हमारा मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरली और परमानेंटली. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन स्टोर करता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए और हेल्प करता है चीज़ों को याद करने के लिए. और जो हमारी मेमोरी होती है वो इनेबल करती है हमारे ब्रेन को स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को. सेम एज कंप्यूटर को भी क्या होता है, मेमोरी की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन को. मेमोरी जो होता है वो लोकेशन देता है जहाँ पे हमारा डेटा क्या है स्टोर्ड हुआ है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कम समय के लिए जहाँ हमारा डेटा स्टोर हुआ है वो हमारा लोकेशन बताता है हमारा मेमोरी. स्टोरेज जो होता है कंपोनेंट होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को लॉन्ग पीरियड के लिए और अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए डेटा को. जो ये स्टोरेज डिवाइस होता है ये स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली और हम इस इंफॉर्मेशन को कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस से जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है. बाइनरी डिजिट्स क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ
दो डिजिट को समझता है, 0 और 1। जो भी एंटर्ड होता है डेटा कंप्यूटर में, वो पहले कन्वर्ट होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है उस डेटा को समझ सके। और इस डिजिट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट और बिट्स के नाम से। तो हमारा 8 बिट का सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। और बाइट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर डेटा, मतलब कंप्यूटर डेटा के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज होती है वो क्या होती है, बाइट। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ बी से। कुछ हायर यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को, जो कि हमारा नीचे दिया हुआ है, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 केबी 1 मेगाबाइट, 1024 एमबी 1 गीगाबाइट, 1024 जीबी 1 टेराबाइट, 1024 टीबी 1 पेटाबाइट, 1024 पीबी 1 एग्जाबाइट, 1024 ईबी 1 जेटाबाइट, 1024 जेडबी 1 योटाबाइट, 1024 वाईबी 1 ब्रोंटोबाइट। और हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो हमारी होती है वो 2 होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और ये इनबिल्ट मेमोरी है कंप्यूटर। और ये जो मेमोरी होती है ये डायरेक्टली एक्सेस होती है सीपीयू के थ्रू। हाँ, जो भी इसमें डेटा स्टोर्ड होता है प्राइमरी मेमोरी में, ये इरेज होता है, इरेज हो जाता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। तो इसीलिए हम इसे रेफर करते हैं एज अ वोलाटाइल मेमोरी भी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, रैम और रोम। वेयर एज रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रैम, विच इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसमें जो हमारा स्टोर होता है डेटा वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, ठीक है। और इसका जो डेटा होता है वो तुरंत ही लॉस्ट हो जाता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होता है। और इस रैम में क्या कर सकते हैं, हम लोग रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं इस मेमोरी में, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रोम, विच इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये जो हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है वो स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली। और इसका जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता है। इसलिए हम इस मेमोरी को रेफर करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और इस मेमोरी में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसके डेटा को इरेज नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है रीड ओनली मेमोरी को। और ये जो रोम होता है ये स्टोर करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को, जो कि ज़रूरी होता है लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा टाइप होता है रोम का, जहाँ पे हम डेटा को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं बट इसे इरेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये रोम और पी रोम में ये डिफरेंस होता है कि जो रोम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, लेकिन जो पी रोम होता है वो मैन्युफैक्चर के टाइम पे ब्लैंक होता है। और जो हमारा पी रोम होता है ये प्रोग्रामर के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो वहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा टाइप होता है पी रोम का, जिसमें कि डेटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करके। और इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारा टाइप है पी रोम का, और यहाँ पे हम डेटा को कैसे इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी मेमोरी का वो बहुत ही लिमिटेड होता है, और वो सफिशिएंट नहीं होता है होल्ड करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। इसीलिए हमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए डेटा को। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो कि यूज़ होता है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशंस को और डेटा को परमानेंटली। जैसे हमारा कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, टीएम एंड
फ्लैश ड्राइव, ये हमारे क्या एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। CD-ROM, CD-ROM stands for Compact Disc Read Only Memory। यह हमारा सर्कुलर डिस्क है और ये स्टोर कर सकता है 700 MB के डेटा को। ये स्टोर कर सकता है टेक्स्ट को, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस को। और CD-ROM ड्राइव रिक्वायर्ड होता है प्ले करने के लिए CD कंप्यूटर पर। DVD stands for Digital Versatile Disc। ये होता है, ये CD के जैसा दिखने में होता है, बट इसका जो स्टोरेज होता है ये हायर कैपेसिटी होता है CD के कंपैरिजन में। ये स्टोर कर सकता है 4.7 GB तक के डेटा को। और इसको प्ले करने के लिए DVD को कंप्यूटर पर हमें DVD-ROM ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लूरे डिस्क स्ट्रीम जो होता है ये सक्सेसर है DVD का, जो कि स्टोर कर सकता है 128 GB के डेटा को। और ये यूज होता है स्टोर करने के लिए हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो फाइल्स को। इसका डेवलपमेंट हुआ था ब्लूरे डिस्क TM एसोसिएशन के थ्रू। जो ब्लूरे डिस्क TM एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के थ्रू इसका डेवलपमेंट हुआ था। जो ब्लूरे रीडर होते हैं उसको रिक्वायर्ड होती है ब्लूरे डिस्क TM की। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारा प्री इंस्टॉल्ड होता है मेन स्टोरेज एरिया में कंप्यूटर के, और यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। ये स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, ये रेंज, जो स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस होती है ये वैरी करती है कंप्यूटर से कंप्यूटर में। ओके, नाउडेज अभी के समय में क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है ये हमारा अवेलेबल है मार्केट में भी। और ये जो डिस्क होता है हमारा बहुत पोर्टेबल होता है और इसको हम कैरी कर सकते हैं एक लोकेशन से अनदर लोकेशन तक। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं कि स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होता है और बहुत ही लाइट वेट स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में USB पोर्टल के थ्रू, विच इज़ USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये यूज होता है कॉपी करने के लिए और मूव करने के लिए डेटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और जो फ्लैश ड्राइव होता है ये हमारा स्टोर कर सकता है डेटा अप टू 4 TB, मतलब 4 TB। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस हमारा बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है। ये आउटपुट डिवाइस हमारा क्या करता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोसेसर के थ्रू। हमारे जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। ओके, लेट्स वी टॉक अबाउट मॉनिटर। मॉनिटर हमारा टेलीविजन के जैसे होता है दिखने में और ये डिस्प्ले करता है वर्क को जो कि हुआ है कंप्यूटर के थ्रू। क्या होता है, मॉनिटर जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होते हैं, ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं। ये मॉनिटर इनएक्सपेंसिव होते हैं बट ये कंज्यूम करते हैं हाई पावर और इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट LCD मॉनिटर, ये होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो मॉनिटर होते हैं ये लाइट वेट होते हैं और थिनर होते हैं और ये कंज्यूम करते हैं लेस पावर को। एंड नेक्स्ट वन है हमारा LED जो कि होता है लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। ये LCD की तरह होते हैं बट इनमें क्या होता है, बेटर पिक्चर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स। स्पीकर क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए और अदर साउंड्स के लिए। स्पीकर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे केबल के थ्रू। और लैपटॉप में क्या होता है, इंटरनल स्पीकर ऑलरेडी होता है और हम एक्सटर्नल स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं इन्हांस करने के लिए साउंड क्वालिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हमारा क्या होता है, यूज होता है प्रिंट करने के लिए जो भी आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ है कंप्यूटर के थ्रू शीट ऑफ पेपर पर। ओके, और जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड होता है वो हम उसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो यूज़ करता है रोज ऑफ नीडल्स को जो कि पैटर्न्स बनाते हैं रिक्वायर्ड कैरेक्टर का पेपर पर इंक रिबन के साथ। और ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत ही चीप और वेरी स्लो होते हैं, मतलब बहुत स्लो होते हैं और ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट को। इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं
ये स्प्रे करते हैं क्विक ड्राइंग इंक को शीट पेपर पर फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये फास्टर वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये एक्सपेंसिव होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गुड क्वालिटी आउटपुट को। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो लेज़र बीम का यूज़ करता है प्रिंट करने के लिए पेपर पर। ये जो प्रिंटर होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और फास्टर होता है इंकजेट प्रिंटर से, और ये हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारा यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट को बिगर स्क्रीन पर, और इससे अटैच्ड होना चाहिए कंप्यूटर्स के साथ आउटपुट देने के लिए। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू क्लास। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।